अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो नई प्लेलिस्ट है ना, इंशाल्लाह वो तैयार हो गई है। ठीक है, तो परसों जो है ना उसकी पहली वीडियो अपलोड होगी। ये वाली प्लेलिस्ट हमारी ऐसी एज इट इज है ना, वो चलती रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा वो लोगों के लिए है जो बेसिक्स वगैरह जिनकी क्लियर है, ठीक है, वो ट्रेडर है प्रॉपर। तो ये वीडियो ये प्लेलिस्ट बेसिकली उनके लिए हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि उनको बताया जाए कि भाई डेली एनालिसिस कैसे जो है ना वो करते हैं, यानी कि वो प्रैक्टिस जोन में है अपने। अब लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों के अंदर ना कमियां रह गई थी, यानी कि उनको कुछ बेसिक्स का नहीं पता चलता था, या मतलब ट्रेड कैसे करना टीएल के ऊपर या कोड रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो उनके लिए जो है ना वो प्लेलिस्ट इंशाल्लाह मैंने तैयार कर लिया। जो है ना वो कल का दिन नहीं लेकिन परसों से जो है ना वो पहली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें बिल्कुल बेसिक से लेके हम लोग जो है ना एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन यार आप लोगों ने जो है ना वो चैनल का बेल आइकन नहीं प्रेस करते, इसलिए आप लोगों को जो है ना वो नोटिफिकेशन नहीं जाता है कि वीडियो अपलोड हो गई है, जिसकी वजह से जो है ना वो तकरीबन मैक्सिमम 20 से 25 लोग ही वीडियोस देखते हैं। तो यार सारे लोग देखा करें, इसको प्रैक्टिस किया करें। मैं आप लोगों के लिए ये जो है ना वो बनाता हूँ। इंट्रीज पे फोकस ना करें, सिग्नल्स पे फोकस ना करें, लर्निंग पे अपना फोकस करें। इसलिए जो है ना वो हर बंदा बेल आइकन को प्रेस करे और जो है ना वीडियो को कंप्लीट देखा करे, मिस ना किया करे थोड़ा सा पार्ट भी। ठीक है, आज ना हम लोग बात करते हैं बूम थाउजेंड की। बूम थाउजेंड ने क्या किया है जी, जिस तरह हम लोग ये कल बात कर रहे थे कि बूम जो है ना वो अगर इस एरिया में रेंज बनाता है ना, फिर वो इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। सेम एज इट इज उसने ऐसे किया। ठीक है, अभी अगर देखा जाए ना इसकी करंट सिचुएशन पता क्या बन रही है। ये मेरे पास ना एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट ने इसको जो है ना वो ब्रेक किया, वापस आके इसको जो है ना वो रिटेस्ट किया, और इसी दौरान मार्केट ने इसके अंदर एक ना जोन बना दिया था और साथ में उसका भी रिटेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो डबल कंफर्मेशन जो है ना हमें मिल गई। अभी आप लोगों ने जो करना है ना, सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, मार्केट जो है ना वो जो है ना अभी जो है ना आप कह लेंगे फ्रेश इस एरिया से बाहर निकली है, सुबह निकली है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले वो एरिया मार्क कर लें, जैसे मैंने किया। एक तो आपके लोगों के पास ये सपोर्ट हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना वो जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं ये वाली कैंडल को साथ कवर करके। ठीक है, एक तो ये जोन हो गया। अगर मार्केट अब आगे यहाँ पे रिजेक्शन दिखाती है तो ये बहुत ही अच्छा मौका होगा फिर से स्पाइक कैच करने का। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आप लोगों की जो है ना वो ब्रेक होकर नीचे आ जाती है, ठीक है, तो फिर ये वाला जितना भी एरिया ना, इसमें काफी सारे जोन है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन अब इनमें से कौन सा जोन जो है ना वो वैलिड होता है। बाज दफा कुछ जोन हमें ऑलरेडी पता होते हैं कि भाई वैलिड हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ये सारे के सारे डिमांड जोन, अब हमें नहीं पता कि इनमें से वैलिड कौन सा, प्रॉपर कौन सा। ठीक है, उसका बेहतरीन हल पता क्या था, उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप मार्केट को नीचे आने दें। ठीक है, आप इन सबको मार्क करके रख लें, जस्ट इन केस मैं अगर इस वाले को जो है ना वो मार्क करके रखता हूँ, मैंने इसको मार्क करके जो है ना वो रख लिया। ठीक है, अब मैं मार्केट को नीचे आने देता हूँ, जब भी आगे मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाएगी और फिर वापस इसको रिटेस्ट करने आएगी, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि यार ये वाला जो जोन है ना ये वैलिड था। अब मार्केट जो है ना वो यहाँ पे रिजेक्शन देके ऊपर जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आके इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ से नॉन स्टॉप नीचे आना शुरू हो जाती है, तो फिर हमारे लिए जो है ना वो जबरदस्त पेयर जो है ना वो रहेगा ना, वो एरिया वो ये वाला रहेगा बाय के लिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जो है ना ये ऊपर है, आप भी 2 3 4 घंटे इसका वेट करेंगे ना, 5 बजे तक आप लोगों का यहाँ ये यहाँ तक आ जाएगा, या फिर ये इस एरिया को ब्रेक करके इनमें से किसी को रिस्पेक्ट देगा। अगर नहीं देता है तो फिर मार्केट जो है ना वो इस एरिया को रिस्पेक्ट आप लोगों को देगी। ठीक है, ये टीएल जो है ना हम लोगों ने ड्रॉ जो है ना वो ड्रॉ की थी, इसको रिटेस्ट करके मार्केट नीचे पे है, लेकिन फिर ये यहाँ पे वायर ज्यादा थे इसलिए मार्केट उसने जो है ना टीएल को अगेन ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर की बात करें ना, तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाती है, तो जब तक ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया क्रॉस नहीं ना करती 740 वाला, तब तक ये जो है ना वो ऊपर नहीं जा सकती। जैसे ये 740 वाला एरिया क्रॉस करेगी, फिर हम लोग इसको जो है ना वो इसके रीटेस्ट के ऊपर इसको पकड़ेंगे और फिर इसको मजीद ऊपर जाता हुआ देखेंगे। ठीक है, 3 ही सिनेरियो आज के दिन में बनेंगे और वो तीनों मैंने आप लोगों को बता दिए, ये वाला सिनेरियो बनेगा या ये वाला बनेगा, इनके बीच में कोई बनेगा, या फिर मार्केट सीधा इस एरिया को ब्रेक करेगी और फिर हम लोग इस एरिया को रिटेस्ट के ऊपर जो है ना वो एंट्री लेंगे। क्राइस्ट थाउजेंड की अगर मैं बात करूं, तो क्राइस्ट थाउजेंड ने जो है ना वो अपने इस एरिया के अंदर जो है ना वो रेंज बनाना स्टार्ट कर दी।
ये काफी दिनों से नीचे आ रहा था। अगर D1 में आप लोग देखें ना, तो मार्केट जो है ना काफी दिनों से नीचे आ रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये भी देखा था, ऑलमोस्ट जो है ना जितनी ये मूव लगी है उतनी मूव ये लगी है मार्केट ने। इतनी मूव के बाद यहाँ से देखें, इतनी मूव के बाद एक रेंज बना दी थी 2 वीक की, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी भी बात करें तो मार्केट ने तकरीबन उतना डिस्टेंस जो है ना वो तय कर ली है। अब वो जिस मूड में है ना, वो रेंज बनाने के मूड में लग रही है। अगर ये रेंज बनाने के मूड में है ना, तो ये हमारे पास ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये नीचे हमारे पास मूव है। एग्जैक्ट मार्केट अगर यहाँ से आएगी तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन SL के साथ करना है, जैसे ही ये आप लोगों की स्पोर्ट ब्रेक होगी तो फौरन से हम लोग इसका SL करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो देखें कि अगर मार्केट ऊपर आती है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर आती है ना, तो ये वाला एरिया जितना भी है ना, ये सारे का सारा आपके पास क्या है, TLB जो है ना वो बन रही है। मार्केट TL के बिल्कुल साथ साथ ही है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जितना भी है ना, ये सारे का सारा आपका जो है ना वो सेलिंग एरिया है, ठीक है। देखिए यहाँ तो हो सकता है, हम लोगों ने तो बेसिकली स्पाइक कैच करने होते हैं, हम लोग जो है ना इसको मार्क करते हैं। एक तो एरिया हमारे पास ये है बिल्कुल छोटा सा, तकरीबन जो है ना 8 पिप का, अगर हम लोग यहाँ से स्पाइक कैच करते हैं, मार्केट स्पाइक नहीं देती और ऊपर चली जाती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना, तो फिर ये एरिया कुछ बड़ा है, जब बड़े एरिया को, बड़ा एरिया जो होता है ना, इसको ट्रेड करने का एक ही तरीका होता है। वो तरीका पता क्या होता है, कि आप लोग इसमें आए और आके जो है ना मार्केट को यहाँ से पहले रिजेक्शन लेने दें। अगर इनकेस मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, ले ली, फौरन से आ जाए छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए। ये है तो बड़ा टाइम फ्रेम, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में आ गया हूँ। इसको छोटा टाइम फ्रेम आप समझे, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे कुछ देर के लिए जो है ना वो स्टे करना शुरू कर देगी, ठीक है। जब मार्केट स्टे करना शुरू कर देगी ना, तब हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस जोन के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये मार्केट जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इस जो है ना एरिया को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। तो ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला जो एरिया है ना, ये जबरदस्त एरिया है, यहाँ से अभी हम लोग जो है ना वो क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग जो है ना वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है आप लोगों का, कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उसको इस तरीके से जो है ना वो आप लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें आप लोगों को, अब देखें अगर हम लोग इसमें सारे को ट्रेड करेंगे तो ये कोई तकरीबन 40 पिप का एरिया बन रहा है, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हमें जो है ना वो मैक्सिमम 5 या 10 पिप का चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है ना वो इसका वेट करेंगे कि कहाँ से इसको रिजेक्शन होती है, और फिर छोटे टाइम फ्रेम में ये उसके अंदर जो है ना वो किस जगह पे आकर रेंज बनाता है और फिर सेटअप देता है, और फिर वहां से जो है ना वो मार्केट आप लोगों की जो है ना वो नीचे आती है। आज हम लोग इसका जो है ना वो वापस इसके ऊपर आने का वेट करते हैं, ठीक है, और फिर इस एरिया का भी जो है ना वो वेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग इसमें छोटे टाइम फ्रेम में बात करें स्पाइक की, अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो इसमें छोटे छोटे जोन जो है ना वो मार्केट जब भी नीचे आती है, मैं आप लोगों को बताया कि मार्केट जो है ना वो छोटे छोटे जोन बना के नीचे आती है, ठीक है। तो ज्यादातर कोशिश किया करें कि अगर आप लोग ना 5 नहीं ना, तो M15 के ऊपर जो है ना वो बिलीव कर सकते हैं। M15 जो है ना वो एक अच्छा जोन आप लोगों का जो है ना वो है, अच्छा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अभी देखें, जैसे ये वाला एरिया है ना, इसमें इस वाली कैंडल को आप लोग जो है ना वो मार्क करें, तो अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम लोग इस एरिया के अंदर जो है ना वो स्पाइक कैच कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो स्पाइक देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट ने किया ऐसे, जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आई है ना, तो ये वाला मार्केट की जो है ना वो आप लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, तो सपोर्ट एरिया था, लेकिन फिर ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया था। तो मार्केट बेसिकली रेजिस्टेंस से जो है ना वो रिजेक्शन लेके नीचे आई है। अभी इसका वेट करते हैं कि मार्केट फिर ऊपर आए 40-50 पिप, फिर हम लोग जो है ना यहाँ से इसकी अच्छी एंट्री जो है ना वो लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं अगला नेक्स्ट 500 के ऊपर। बूम 500 की बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक मार्केट इसका ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करेगी ना, ये वाला, तो ये पेड़ जो है ना लॉन्ग बाय में नहीं निकलेगा। ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस एरिया जो इसको बार बार रेजिस्ट कर रहा है, इसका जो है ना ब्रेकआउट बहुत जरूरी है। हम लोगों ने ये मार्क भी किया हुआ, ठीक है। तो H1 के अंदर जो है ना एक जोन था, उसको मार्क किया था। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, कि मार्केट जो है ना, ये अक्सर मार्केट जो है ना वो चीज करती है, इसको मैं ना डिलीट करता हूँ, लाइन के साथ ही ड्रा करते हैं इसको भी है, तो मैं जरा डिलीट करता हूँ। चाहिए देखें जरा, अगर मैं इसको बिल्कुल नीचे मार्क करूँ ना, मार्केट हल्का सा फेक आउट दिया है, ठीक है। कल के दिन में मार्केट क्या रही, इस जोन के जो है ना वो अपर साइड पे रही है, ठीक है।
यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो स्पाइक दी है, बल्कि तीन मूव जो है ना वो दिए हैं, इनमें से एक मूव मैंने कल कैच भी की है। हमारी जो कल एक क्लास हुई थी जूम पे, तो उसके ऊपर जो है ना ये मैंने डिस्कस भी किया था। तो ये ना तब जो है ना हम लोग इसी एरिया को जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ के ऊपर जो है ना कि एंट्री बन रही थी उसी को जो है ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये देखें, कल पहले मार्केट ने इसके अपर पोर्शन जो है ना, अपर पार्ट जो है ना उसको ट्रेड किया, तीन जो है ना सेटअप दिए। अब जो है ना मार्केट ने इसके लोअर पार्ट को जो है ना वो दी है। तो देखें, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ ना, कि देखें जरा किया क्या मार्केट ने, मार्केट नीचे आई है, इस जोन के अंदर आके मार्केट ने रिजेक्शन दी है, ठीक है, रिजेक्शन दिया आप लोगों को, ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट फिर ऊपर निकली है, फिर जो है ना वो नीचे आई है, और फिर इसी के दौरान मार्केट ने एक जोन बनाया और उसी जोन को मार्केट ने टेस्ट किया और फिर ऊपर चली गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये तरीका कार होता है कि बड़े टाइम फ्रेम की जो एंट्री होती है ना, उसको आप लोग हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से जो है ना वो आप लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे ये मार्केट यहाँ पे आई, इसने ऊपर गई है, ठीक है, फिर यहाँ पे उसने जो है ना एक जोन बना दिया, डिमांड जोन, वापस उस डिमांड जोन को टेस्ट किया, ऊपर जो है ना वो निकल गई है, ठीक है। बेसिकली जोन एंट्री इसकी थी, लेकिन सेटअप M5 के अंदर जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मार्केट बना के छोटी दो दफा ये वाला एंट्री पॉइंट नहीं पता था हमें भी, ठीक है। हाँ अलबत्ता इस बेस पे ले सकते थे कि जो है ना इसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, तो दो तीन चार पे नीचे ऐसा रखते और जो है ना स्पाइक कैच हो सकता था। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है ना वो ये है कि मार्केट ने ये देखिए इसके अंदर डिमांड जोन बनाया फ्रेश, उसको रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से जो है ना मार्केट ने आप लोगों को स्पाइक दी है, ठीक है। तो अभी भी अगर हम अभी इसकी बात करें ना, तो अभी देखें ये वाला जो एरिया ना इतना, ये वाला एक तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पे जो है ना वो मार्केट अभी है ना तकरीबन कोई डाइवर्जेंस बनाए, ये एरिया जो है ना अच्छा है क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर आ गई है बेसिकली। तो फिर ये आप लोगों का सारा एरिया जो है ना अभी बाइंग का है। जब बाइंग का एरिया होता है ना, तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ना सेटअप्स बनते हैं, फिर छोटे छोटे जो है ना वो सेटअप बनते हैं, वेज बन गया, डाइवर्जेंस बन गई, कैंडल बन गया, ये वाले जो है ना छोटे छोटे आप लोगों के जो है ना वो सेटअप जो है ना वो बनते हैं। अब अगर मार्केट आके वापस इस स्पोर्ट को टेस्ट करती है, तो फिर एक हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा एंट्री के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट क्या करती है कि हमारा इस पॉइंट को ब्रेक करती है, इसको हम लोग इस तरह मार्क करते हैं, अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है, उसको रीटेस्ट करती है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो भी मैं मार्क कर देता हूँ, हो जा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट जो है ना ये भी एंट्री पॉइंट होगा दूसरा, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, तो H1 में अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो उसके बिल्कुल नीचे जो है ना ये वाला भी एक फ्लैश, ये भी एक जोन पड़ा है जिसको अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया, फिर भी वॉल्यूम अच्छा है। अगर मार्केट नीचे आती है, तो फिर हम लोग इस जोन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट ऐसे नीचे आती है, तो ये वाली TL जो है ना इसको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आज हमारे पास ना इनफ आज के दिन के लिए जो है ना वो बूम 500 के अंदर जो है ना वो सेटअप पड़े हैं। तो इन सारे सेटअप्स के ऊपर देखेंगे, जहां पे प्रॉपर एविडेंस बन जाएगा, उसको हम लोग ट्रेड लेके अपना जो है ना वो टारगेट पूरा करेंगे। अगर ये वाली स्पोर्ट ब्रेक कर देती है बगैर किसी मार्केट रिजेक्शन के, यहाँ से ऐसे नीचे आती है, स्पोर्ट ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग इसको छोड़ देंगे, फिर हम लोग D1 में जो है ना इसको नीचे वाले इस एरिया में आने देंगे, जहां से मार्केट एक दफा तो है ना वो चली गई है, फिर वापस इसको इसी एरिया में आने देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रैश 300 की। क्रैश 300 ने जो है ना वो रेंज बना दी हुई है। जब क्रैश 300 ने रेंज बना दिया ना, तो आप सबसे पहले इसके अंदर जो है ना रेजिस्टेंस मार्क करें, एक वो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया, दूसरी रेजिस्टेंस जो है ना वो ये वाली है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से रिजेक्शन लेगी, अदरवाइज मार्केट जो है ना वो आप लोगों की इस एरिया में आके रिजेक्शन आज लेगी, ये वाला जो है ना इसके एंट्री पॉइंट जो है ना वो बनेगा। जैसे मार्केट इस एरिया में आएगी ना, तो नहीं है कि सिर्फ यही नहीं है छोटा सेटअप, तो मार्केट यहाँ पे आएगी ना, तो मार्केट आप लोगों ने फॉरन से M15 के अंदर देखना है इसको, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको M15 के अंदर देखेंगे ना, तो आप लोगों को खुद जो है ना यहाँ पे सेटअप बनता हुआ नजर आएगा, जस्ट लाइक दिस। जैसे ये मार्केट रिजेक्शन ली, फिर उसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर अगेन उसको जो है ना वो रिटेस्ट करके नीचे आई। आज के दिन में भी इसी तरह का जो है ना वो सिनेरियो होगा। बेसिकली जब भी आप लोग किसी एरिया को बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करते हैं ना, तो जैसे ये हम लोगों ने मार्क कर लिया, तो छोटे टाइम फ्रेम में बेसिकली इसी तरह जो है ना वो होता है कि मार्केट पहले रिजेक्शन दिखाती है, हमें जो है ना वो क्लियर हो जाता है कि ये एरिया जो है ना यहाँ पे सेलर था, मार्केट वापस आती है, उसको रिटेस्ट करती है, हम लोग एंट्री लेते हैं, फिर दूसरी दफा फिर मार्केट आ जाती है, या फिर वहीं से वापस निकल जाती है, तीसरी दफा जब दूसरी दफा मार्केट आती है, फिर हम लोग और छोटी लोट के साथ
एक दफा ये एरिया टेस्ट हो गया होता है तो फिर हम लोग जो है ना उससे अगेन एंट्री जो है ना वो लेते हैं। तो आज भी हम लोग इसकी इसी की जो इसी एरिया को जो है ना वो हम लोग देखेंगे H1 के अंदर, इस रेजिस्टेंस को या फिर ऊपर वाले रेजिस्टेंस को, ठीक है। अगर मार्केटिंग दोनों को रिस्पेक्ट नहीं देती, ऊपर निकलती है, तो फिर हम लोग ये वाला एरिया जो है इसको देखेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट पेयर रह गया जी, क्रैश 500। क्रैश 500 की अगर मैं बात करूं ना, तो ये देखें जरा, देखें ये एक जो है ना आप लोगों के पास फ्रेश जोन है, हमें वेट है इसके अंदर रिजेक्शन का, ठीक है। अगर मार्केट रिजेक्शन देगी तो ये चीज जो है ना हमारे लिए वैलिड हो जाएगी। हम लोग जो है ना एक्सपेक्ट करेंगे कि H1 का जोन है और मार्केट जो है ना H5 के अंदर एक अच्छा खासा जो है ना आप लोगों को वो दे, एक रेंज दे इस तरह की, ठीक है। जब मार्केट आप लोगों को इस तरह की रेंज देगी ना, तो फिर हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कब इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट देने वाली है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर जो है ना वो एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर आप लोगों के पास ये ऊपर वाला जोन है 89 से 27, ठीक है। ये वाला जो आप लोगों के पास एक रेजिस्टेंस एरिया ना, ये 3 टाइम टेस्टेड है ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को मजीद बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना, तो ये देखें जरा, ये वाला एरिया जो है ना वो आप लोगों को टेस्टेड है। इसके ऊपर दो, इस दो जोन हम लोगों ने मार्क करके रखे हुए, मार्केट यहाँ तक आ नहीं रही है, एक ये वाला और एक ये ऊपर वाला, ठीक है। तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया वैलिड होगा 408 से लेके 427 तक, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ना हमारे पास वैलिड होगा। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तो फिर ये ऊपर वाला एरिया जो है ना वो मजीद उससे जो है ना वो तकरीबन 60 पिप जो है ना वो ऊपर है, वो वाला एरिया वैलिड होगा, ठीक है। अभी देखिए एक और चीज भी हम लोग को ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो है ना वो अब चूंकि मार्केट जिस जोन के अंदर है ना ये वाला, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ये फ्रेश जोन जो है ना जब यहाँ से गिरी है, तो फ्रेश जोन जो है ना वो मार्केट ने बनाया, ठीक है। तो अगर मैं इस जोन की बात करूँ ना, कि इसके अंदर जो कितने पिप का है, ये बेसिकली आप लोगों का है 39 से लेके 32 से लेके 39 तक, यानी कि ये एरिया जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना, अब हमने इसको जो है ना वो एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाना, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जैसे आएंगे, तो सबसे पहले तो आप आके इस जोन के अंदर जो है ना वो वही एरिया मार्क करें, ठीक है। देखें कि भाई वो एरिया बन कौन सा रहा है, पहले तो मैं आके इसको मार्क करता हूँ ना, वो देखता हूँ ये वाला एरिया जो है ना 41 ये बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो सबसे ज्यादा रिजेक्शन वाली कैंडल जो है ना उसको ढूंढे, पहले लाइन क्यों नहीं लग रही है, सबसे पहले जो है ना इसके अंदर रिजेक्शन वाला एरिया देखें, वो आपका ये वाला एरिया बनता है, यानी कि ये वाली डोजी बनती है, ठीक है। ये स्टार्ट हो रही है 31 से लेके आपके 41 तक, यानी कि ये 10 पिप का जो है ना वो एरिया बन रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने वेट करना है इसके अंदर आकर रिजेक्शन का, जैसे मार्केट रिजेक्शन देगी तो हम लोग इसके अंदर जो है ना वो फिर इसको इस तरह मार्केट रिजेक्शन देके वापस टेस्ट करेगी और फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो ये मार्केट की पोजीशन होती है। तो अगर ये वाला एरिया मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर ऊपर ये आप लोगों के पास जो है ना एक रेजिस्टेंस एरिया है, थर्ड इसके जो है ना 3 टच हो गए, ठीक है, 4 टच है। थर्ड टच के बाद 4 टच वीक होता है, 5th टच उससे वीक होता है, 6th टच जो है ना वो उससे ज्यादा वीक होता जाता है, ठीक है। तो अगर ये वाला एरिया जो है ना अगर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना ना, मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको ना ट्रेड करें। उसके ऊपर वाला ये वाला जो एरिया ना, ये अभी नॉन टेस्टेड है, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया को यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट जो है ना वो किया होगा, बल्कि ये टेस्टेड है ये भी, लेकिन क्योंकि ये मेजर एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है बड़े स्विंग है, ये देखें ये मार्केट ने जो है ना इसके ऊपर बड़े स्विंग बनाए। ये वाला जो है ना ये मेजर रेजिस्टेंस है, और ये इसके अंदर जो है ना माइनर रेजिस्टेंस है, इसके इसके अकॉर्डिंगली ये वाली जो है ना ये माइनर है, क्योंकि ये इसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। ये माइनर रेजिस्टेंस है और ये जो है ना आप लोगों की मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप लोगों की माइनर रेजिस्टेंस वर्क नहीं करते, तो फिर आप लोगों की ये मेजर रेजिस्टेंस जो है ना वो वर्क करेगी, अगर ये नहीं करते तो फिर उसके बाद ये वाला एरिया जो है ना वो वर्क करेगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप लोग इस जो है ना प्लेलिस्ट को देख के प्रैक्टिस करें, बाकी दूसरी प्लेलिस्ट जो है ना वो आने वाली है, उससे भी आप लोगों को जो है ना वो इंशाल्लाह काफी फायदा होगा, ठीक है। कल परसों जब पहली वीडियो आएगी, तो उसमें आप लोगों को मैं टॉपिक सारे बता दूंगा कि हम लोगों ने कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक आप लोगों के जहन में होगा, तो आप लोगों ने मुझे बताना है, वो भी हम लोग साथ कवर करेंगे, ठीक है। कोई तो क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें यार, काइंडली कमेंट्स के अंदर लड़ा ना करें, ठीक है। अगर कोई बंदा ऊंच नीच कहता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें, कोई नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है।
एक कम्युनिटी बनाएं और कम्युनिटी के अंदर रहकर जो है ना वो ट्रेड करें। थैंक यू।